बेकदर तू बेकदर, हाँ बेकदर। हाँ तो टाइम मिल गया आपको अपने मंगेतर से मिलने का, 2 दिन का। बिजी थी मैं और यासिर, आजकल मेरा कहीं भी दिल नहीं लग रहा है। हाँ तो दिल कहाँ से लगेगा मैडम, इतना अरसा जो हो गया हमारी मंगनी, और मैं बोल बोल कर थक गया हूँ कि मारो प्लीज मुझसे शादी कर लो, लेकिन नहीं, तुम सीरियस ही नहीं ले रही। ऐसी बात नहीं है, मैं परेशान हूँ बहुत। क्या परेशानी? पढ़ाई की वजह से तुमने ही शादी को डिले करवाया। भाई मेरी अम्मी तो हर दिन मुझसे कहती है कि मैं मारुख के घर जाऊं और शादी की डेट और दिन डिसाइड कर लूं, लेकिन मैंने ही उन्हें रोका है कि रिजल्ट आने तक थोड़ा सा इंतजार कर लो, उसके बाद चले जाइए। यासिर तुम समझ ही नहीं रहे हो, मैं कोमल आप ही की वजह से परेशान हूं। क्यों, क्या हुआ? आप ही के ससुराल वाले उन पर बहुत जुल्म कर रहे हैं। तो तुम्हारे अम्मी अब्बू जाए ना, जाके उनकी वालदा से बात करें। यही तो प्रॉब्लम है, उनकी सास इतनी तेज है कि हमारे सामने मासूम बन जाती है। अम्मी हाथ पे हाथ रखे बैठी है और सोने पे सुहागा आप ही सब कुछ जानते हुए भी कुछ बताना नहीं चाहती। हैरत। वैसे मैं ये सोचता हूँ कि अगर तुम उनकी बहू होती तो उन लोगों को लग पता जाना। मजाक मत करो, आप ही हैं ही ऐसे, बहुत साबिर हैं, और देखो उन्हीं के साथ ये सब हो रहा है। अच्छा, तो एक काम करो ना, तुम खुद फोन करके उनके हस्बैंड को सारी हकीकत बता दो। मैं ये नहीं कर सकती, मुझे आप ही ने बताने से मना किया है। और ऑब्वियस है, वो तो मना करेंगी ना, लेकिन ये तुम पर है कि तुम्हें क्या करना, सोच लो।